आदरणीय मन और मैं मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं मनोज सोडिया जी, उनको मैं वंदन करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं हूं। मैं आप विभोर हूं इस अवसर पर भी मैं आके बोलूं तो कैसे बोलूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो बोए हैं वो मेरे सरने बोए हैं जो आज मेरे सामने उपस्थित है। कोई कहता है ना कि जैसे आप भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि सखी मैं सर को ये कहूंगा कि जो मुझे आज मिला, जिस जमाने में सिक्स क्लास में इंग्लिश चला करती थी वो मुझे गुरुजी ने दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में सिखा दी थी। इन गुरुजीओं में कैसे भूलूं कि जो लोग आज 12th तक पढ़ लेते हैं वो तब भी इंग्लिश और हिंदी के भाषिक योग्यता तक नहीं जान पाते, वो मुझे 5वीं में सिखा दिया था। मेरे गुरुजी मनोज सोडिया जी, ओम प्रकाश सोडिया जी, सैनी जी, रमेश जी, जगदीश जी, सतीश जी, नरसी राम जी और प्रसादी लाल जी, मैं इन सबको यूं समझिए कि मैं रोज याद करता हूं कि ऐसा कहते हैं कि इस जीवन में 3 ऋण होते हैं और 3 ऋणों में एक ऋण होता है गुरु ऋण। वो गुरु ऋण मैं चुकाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझे प्रशासक के रूप में नहीं जानते, लोग मुझे अब शिक्षक के रूप में जानते हैं। इस बात को जैसा प्रकाश भाई ने बोला और मेरे दो बड़े भी साथ बैठे हुए हैं हेमंत और खेम सिंह। हेमंत तो मेरी पहली क्लास से मेरे साथ में था और हमने स्कूली शिक्षा बिना कॉलेज के ज्ञान लिया है। मैंने कोई कॉलेज नहीं की, मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में मैंने काम किया, पढ़ाई की और 12th तक की शिक्षा ली है। और 12th तक का मेरा साथी है हेमंत और दूसरा मेरा साथी 11th 12th का है खेम सिंह। आज भी मुझे याद है खेम सिंह की वो नटखट बातें मैं यहाँ नहीं कहूंगा इस मंच पर, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि मैं गुरु ऋण को उतारने का प्रयास कर रहा हूँ शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा और नोबल पैसा को हमारे भाई जगेंद्र ने अपनाया है, मैं दूसरे तरीके से अपना रहा हूँ जिसको कई लोग मुझसे कहते हैं, पता नहीं कहते हैं नहीं कहते कि ये तो कमाई के लिए कर रहा है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कमाई का, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है उसका मैं ऋण चुका सकूं। कारण क्या होता है कि जो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन सुधार सकते हो। मुझे आज भी पता है कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ, इस बात का मुझे गुमान तो नहीं, लेकिन लोग मुझे कभी कभार अभिमान करा देते हैं कि तुम जहाँ हो वहाँ अच्छा अच्छा आदमी नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी मैं जमी पर रहता हूँ। और इन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, कल हम इनकी तरह ही थे। और मैं ईपीएस स्कूल के संचालक जगेंद्र भाई से कहूंगा कि उसने इंजीनियरिंग की, उनकी वाइफ और मेरी भाभी जिनसे मैं कोई 15 साल पहले मिला था, तो उन्होंने उस समय बीएड कर रही थी, तो उन्होंने जो बीएड की उपयोगिता यहाँ दर्शाई है तो इन बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि मैं एक आईएएस अपवर्ग आईएएस के नाम से एक संस्थान चलाता हूँ जो केवल सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करती है। उसमें जो आप कह रहे होंगे कल सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th क्लास में 12th क्लास में 99% 100% वाले बच्चे मिल रहे हैं, ये बच्चे हमारे पास आईएएस और आरएएस में आते हैं लेकिन उनसे हम संतुष्ट नहीं है। वो जो एक बच्चों की जो फौज हम तैयार कर रहे हैं वो बच्चे क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं
कहूंगा कि आप शिक्षा में गुणवत्ता लाइए, क्योंकि मैंने भी बीएड किया है और बीएड के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि बच्चा केवल ज्ञान रखता है, समझ नहीं रखता। बच्चों में समझ से कीजिए, बच्चों में उपयोग आधारित बातों को सिखाइए ताकि वो अपने जीवन में ढाल सके। मैं आज जब भी बच्चों को देखता हूं तो उनसे कहता हूं कि ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ज्ञान तो इंटरनेट दे देगा। यदि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, उस अपने समझ को बढ़ाना चाहते हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आज चैट जीपीटी का जमाना है, जीपीटी 4.0 का जमाना है और अभी बार्ड भी आ गया। वो कहते हैं कि सब कुछ ले लेगा वो आपसे, लेकिन आपकी समझ और उपयोगिता नहीं लेगा। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए और अभिभावक भी साथ में बैठे हैं और जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है उसमें स्पेशली ये कहिए कि मुझे बच्चों को ज्ञान नहीं दिलाना, मुझे बच्चों को समझ दिलानी है और बच्चों में उपयोगिता को बढ़ावा देना है ताकि जो भी वो सीखे अपने जीवन में उतार सके। मैं एजुकेटर ही नहीं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट्स में अभी मैं काम कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट्स में एक इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। वो एंटरप्रेन्योरशिप तभी आ सकती है जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कारण क्या है कि हम जो ज्ञानाधारित शिक्षा, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, वो सोसाइटी देश का फायदा नहीं कर सकती, देश का भविष्य नहीं सुधार सकती। आपको यदि कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, कोई शोध एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए कामकाज आप करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप देश और समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपने बच्चों में एक ऐसा हुनर विकसित कीजिए कि बच्चे जहां भी जाए झंडा गाड़ के आए। लोग कहते हैं कि कल 2003 में मैंने 12th किया, 2001 में 10th किया, 2003 के बाद में मैं गर्भ में चला गया और किसी को नहीं मिला, 3 साल बाद मिला। 2006 में जब मैंने बीए किया प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में, 3 साल किसी ने मुझे नहीं देखा बसवा वालों ने। जो भी एक तो मेरे संगी साथी थे वही मुझे देख पाते थे, बाकी जो मैंने गर्भ में रहकर जो अध्ययन किया उस अध्ययन का नतीजा आज ये था कि मैंने जब बीए कर रहा था तो ही मैंने आरएस का इंटरव्यू दे दिया था और कोई मेरा आरएस की तैयारी का कोई विजन नहीं था। मैं केवल और केवल आईएएस बनना चाहता था, लेकिन ईश्वर को और ही कुछ मंजूर था। जब मैं बीए कर रहा था तभी आरएस की वैकेंसी आ गई और आरएस की वैकेंसी आकर मुझे आरएस का फॉर्म भरना पड़ा और प्रीलिम्स हुई, मेंस हुआ, इंटरव्यू में डायरेक्ट देकर आ गया। उस समय के आरपीएससी के चेयरमैन थे सीआर चौधरी, जो बाद में जाकर केंद्र में मंत्री भी बने। आरपीएससी में कोई मैं किसी से कहता हूं तो कहते हैं कि लोग फॉर्मल बातें नहीं होती, इनफॉर्मल बातें नहीं होती। मुझसे जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे पहला इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि गणेश कहां के हो, तो मुझसे केवल ये निकला कि बसवा का। मैंने ये नहीं बोला कि दोसा जिले का हूँ, बसवा का हूँ। उन्होंने ये कहा कि बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी आपकी तर्क शक्ति है, विश्लेषणात्मक शक्ति है, आरएस में तो आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन आप आईएएस बनने लायक हो, इसलिए आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा खून और बड़े तो आया ही नहीं था। बाद में स्थितियां रही कि 2010 में मैं इंडस्ट्री सर्विस में चयनित हुआ। चयनित होने के बाद में मुझे आईएएस में बाद में जाना पड़ा। उस समय का मेरा साथी हेमंत है,
जब मेरा पहली बार आईएएस में प्रीलिम्स हुआ, तीन प्रीलिम्स नहीं हुए मेरे आईएएस में, जो आईएएस का दम्भ भरता था, चौथा बार प्रीलिम्स में हेमंत मेरे साथ में था, हेमंत मुझे दिल्ली में मेंस के जब टेस्ट पेपर्स के लिए लेके गया, मैंने उस साल आईएएस का इंटरव्यू दिया 2015, किसी को भी पता नहीं है मैंने आईएएस का इंटरव्यू गोपनीय रूप से दिया। लोग कहते हैं कि जब किसी को बता देते हैं तो वो सारी एनर्जी दूसरी ओर चली जाती है, मैंने 2015 में नहीं बताया, मैंने दो बार आईएएस का इंटरव्यू दिया और 2016 को मैंने स्किप किया, 17 में मैंने आईएएस का मेंस दिया, शायद हेमंत को भी पता नहीं है, 2017 मैंने आईएएस का मेंस दिया और उस साल मेरे अच्छे रैंक आने के चांसेस थे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा मेंस भी पास नहीं हुआ, लेकिन कुछ लेकिन उसको मैंने एक नियत भी समझ ली और प्रकृति का एक उपहार समझ लिया कि ईश्वर ये नहीं चाहता और चाहता है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस और आरएएस के लिए मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत में विभागीय समस्याएं भी खूब आई, तो मैंने कहा कि साहब मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करता, मैं केवल और केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए मैं कामकाज कर रहा हूं, और मैं तो यही चाहूंगा सभी को ही कि बच्चों में नैतिकता की सदाचार की बातें उनको सिखाइए, ताकि कल कोई गलत काम भी करे तो सबसे पहले ये सोचे कि मैं ये गलत काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया है कि नैतिकता और सदाचार क्या उचित है क्या अनुचित है, जिसका पालन आज मैं कर रहा हूं। मेरी सत्यनिष्ठा पर विभाग ने शुरुआत में आज लगाई थी कोचिंग के नाम पे, वो कोचिंग का नाम पे भी हम कहते हैं कि ये ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरी दो किताबें बाजार में आ चुकी है, एक किताब का तो कल एग्जाम से नगर पालिका ईओ का, जिसकी 28,000 कॉपी पहली किताब की मैंने मेरी बिकी है मूमल प्रकाशन से, दूसरी योजनाओं की बिकी है। बाकी मैं अंत में यही कहूंगा कि आपको केवल अपना काम करना है और ईमानदारी से अपना काम करना है, ईश्वर या प्रकृति इस संसार में यदि कोई परम तत्व की स्थिति है तो वो आपके साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। और लास्ट में मैं ईपीएस स्कूल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझको मेरी ही जन्मभूमि पर बोलने का मौका दिया, और साथ में मैं मेरे आदरणीय शिक्षक मनोहर सर को भी ये कहूंगा कि यदि गलती से मुझे कोई शब्दों में बदलाव या फेराव हो गया है तो मुझे माफ करना, और आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।